बेसिक तौर पर क्या सरकारी योजनाएं और कौन सी शुरू की जानी चाहिए? जैसे अगले चुनाव में पार्टियां अपना हर साल घोषणा पत्र लाती हैं, तो इन घोषणा पत्रों में और कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए मुख्य तौर पर? मुख्य तौर से योजनाएं और कौन सी चालू होनी चाहिए? मुख्य योजनाएं जो चालू है संचालित, महुए की बात कर रहे थे, महुए की कीमत की बात कर रहे थे, शायद आप लोग भी महुए की कीमत से जुड़े होंगे। तो जो पहले व्यापारी खरीदता था और अब जो है तो जंगल विभाग खरीदता है, तो ये कितना खरीदारी करता है और व्यापारियों के खरीदने और इनके खरीदने में कितना फर्क है? बहुत अंतर है, दुगने का अंतर। ये 35 रुपए किलो महुआ खरीदते हैं, जंगल विभाग 30-35 रुपए खरीदता है और व्यापारी जो है तो 30-35 रुपए अभी भी खरीद रहे हैं, अभी भी खरीद रहे हैं। घट गई है कीमत, घट गई है, घट जाने पर भी खरीद रहे हैं। मतलब कीमत घट गई है जंगल विभाग के लेने की वजह से? बहुत घट गई है। जंगल विभाग अगर न लेता, जैसे छूटता था उसी तरह से खरीदी फरोख्ती होती, 55-60 रुपए जैसे बिचता था वैसे बिचता। तो जंगल विभाग को अब क्या सुधार करने चाहिए, क्योंकि पिछले साल हम किसानों से जब यहाँ बात कर रहे हैं तो उनका भुगतान भी अभी तक रुका हुआ है। क्या ये सही बात है? गलत है, ये गलत है, भुगतान नहीं हुआ जिनका। वही चीज हमको भी पता चली कि भुगतान एक साल पहले का है तब भी अभी अटका हुआ है, नहीं हुआ है अभी तक, नहीं हुआ है। कीमतें घट रही हैं, इसलिए क्या तो बहाल किया जाए जैसे पहले व्यापारी खरीदते थे उस तरह से। ये जंगल विभाग खरीदता है तो व्यापारी के तौर पर खरीदे, कम से कम उनको 50-60 रुपए किलो के हिसाब से जैसे लेते थे व्यापारी, उसी तरह से वो भी खरीदी करे और तुरंत पैसे दे। पैसे आज जो बिन रहा है महुआ, एक गरीबी तबके का लोग बिनता है महुआ, जो बिनते हैं तो वो गरीब तबके के होते हैं, वही तो महुआ बिनते हैं। अब उनको जितनी परेशानियों के साथ में महुआ वो बिनते हैं उस हिसाब से उनको भुगतान नहीं मिलता है, पेमेंट उस हिसाब से नहीं मिलता है। दिन भर बिने घाम में या धूप में रहते हैं और इसके बाद बड़े रात से आधी रात से लेकर के और 12-2 बजे तक महुआ बिने और उसका मूल्य 25-30 रुपए किलो हुआ। मजदूरी भी उनकी सही नहीं होती है, जबकि ये साल भर में एक उनको वो मिलता है जैसे एक तेंदू पत्ता, उसी तरह से एक ये महुआ भी है कि साल में उनका एक वो होता है गरीबों के लिए इनकम है। अब वो उनका तो उस हिसाब से आधा पेमेंट मिल रहा है, वो भी सही, कोई खरीदने वाला नहीं है जंगल विभाग को खरीदने के लिए। जैसे बोल दिए यहाँ भी कि भाई 30-35 रुपए किलो खरीदी होगी, अब वो पूरा खरीद लेता है जंगल विभाग। देखिए क्या है ना कि व्यापारिक दृष्टि से जैसे अगले वर्ष में था तो कुछ लोग दिए कुछ नहीं दिए, ये सोचे कि हो सकता है कि छूट हो जाए तो व्यापारी लोग खरीदी, तो छूट नहीं हुआ। तो अब सभी लोगों का अगर पिछला स्टॉक कभी पड़ा हुआ है, पिछला स्टॉक कुछ व्यापारियों का भी जो है तो गोडाउन के ये वो भी वहाँ भी पड़ा रह गया है, अभी तक पुराना महुआ पड़ा है। और नहीं तो आज को पूरी सप्लाई हो जाती थी, सब नया स्टॉक आ जाता था, तुरंत आते थे व्यापारी लेकर के, तुरंत पेमेंट दे दिए, उनका भी काम हुआ। आज कोई शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनके लिए कि ये आंकड़ा है कि भाई हम इतने का महुआ बेच लेंगे, इतने का अरहर बेच लेंगे, हमारी शादी हो जाएगी।